नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल लेसन लाया हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल लेसन लाया हूं दोस्तों। आज हम कहरवा के बारे में बात करेंगे। कहरवा की जितने भी स्टेजेस हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अकंपनीमेंट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए जो आप कहरवा में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये आप पूरा लेसन देखते हैं दोस्तों, तो आपके पास कहरवा का एक कंप्लीट आपके पास पैकेज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए जिस तरह से तीन ताल की फोर स्टेजेस होती हैं, विलंबित तीन ताल, मध्य लय तीन ताल, द्रुत तीन ताल, अति द्रुत तीन ताल, तो उसी तरह से कहरवा में भी हमारी फोर स्टेजेज है। विलंबित कहरवा, मध्यम गति का कहरवा, फिर द्रुत कहरवा, फिर अति द्रुत कहरवा, जो हमारा फास्टेस्ट कहरवा जो हमारा है। कहरवा आठ मात्रा की हमारी ताल है। इसमें पहली मात्रा पर ताली और पांचवी पर थाली है। तो इसके जो वैसे जो बोल है वो ये है, धागे नाती नाक धेना, लेकिन इसको अलग अलग तरह से इसको बजाया जाता है। सबसे पहले हम स्लो कहरवा करते हैं। स्लो कहरवा में हम इसे किस तरह से बजाते हैं? स्लो कहरवा मेनली गजलों में यूज किया जाता है। धा ये हमारा विलंबित कहरवा है। धा त्रत तिन तिन ताके त्रत तिन तिन धा त्रत तिन, समटाइम्स वी कैन प्ले धागे धागे त्रत तिन तिन ताके त्रत तिन तिन धा त्रत तिन तिन ताके त्रत तिन तिन धा। तो हम इसके बोल करते हैं, पहले देखिए, धा धा त्रत त्रत, ये लिया हमने तिन 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 तिन, हम यहाँ पे लेंगे, साथ में ये भी ले सकते हैं, तिन तिन ताके त्रते तिन तिन धा त्रते तिन तिन ताके त्रते तिन तिन धा गे धा आगे की तरफ जाएंगे और गे पीछे की तरफ आएंगे, धा गे त्रते तिन तिन ताके त्रते तिन तिन। अब ये हमारा जो ये वेरिएशन है, ये हम सॉन्ग की या गजल की हम पहली लाइन में बजाते हैं, जो ये वेरिएशन। जब हम दूसरी लाइन पे जाते हैं तो हम एक और वेरिएशन बजाते हैं, तो वो वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। धा धिन धा धा गे ना धा धिन ताना ना के तेरे ताना ना के तेरे, या फिर ताके ताके तेरे, हम दोनों में से एक ले सकते हैं। देखिए, धा धिन धा धा गे ना धा धिन ताना ना के तेरे के, अब मैं आपको दोनों इकट्ठा बजा के दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। अब
देखिए जो मैंने ये जो वेरिएशन किए, कुछ कुछ वेरिएशन देखिए, धाती गेना धाती गेना धा धा गेना देन धा आती है तो आप अच्छे से संगत कर सकते हैं किसी भी सॉन्ग में। नाना के नाके तेने नाना के नाके तेने देन नाना के नाना के तग दिन नाना के तग दिन को मैं ऐसे भी दबा सकते हैं तग दिन खत्म करने के लिए मैंने क्या फिलर लिया देखिए धा दिन धा धा गेना टिट धा गेना धा गेना धा धा दिन धा धा गेना अप टू फोर्थ बीट सेम रहेगा धा दिन धा धा गेना टिट धागे ना धा गेना धा वापस धा दिन धा धा गेना टिट धागे ना धा गेना धा। ये एक मतलब इसका बेसिक सा फेस मतलब शक्ल है इसकी कहरवा की। अब आप इसमें लग्गी लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक लग्गी भी बताता हूँ और उसकी तिहाई भी बताता हूँ। तो इस तरह से धागे स्लोप देखिए इसके धागे ना ता की ता ना देन ता के ना ता आप ऐसे ले सकते इतनी चीजें आती है विलंबित कहरवा में तो आप किसी भी गजल के साथ और किसी भी सॉन्ग के साथ आप अच्छे से संगत कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको पक्का करना है और अलग अलग चीज का आपको रियाज करना पड़ेगा। आपको लग्गी का अलग से करना पड़ेगा, वेरिएशंस का अलग से करना पड़ेगा, उठान का अलग से, एक एक चीज पकड़ के आप उसको बजाते रहिए।